focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट का लबोरुबा कल जिस प्रकार का माहौल थूथुकुडी में रहा है तमिलनाडु के, उस संदर्भ में, और जैसा कि आप जानते हैं राहुल जी का एक तकिया कलाम है कि विश्व में कुछ भी अनर्थ होता है, कुछ भी गलत होता है, विश्व के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनके उनको उसमें आरएसएस अर्थात राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का ही हाथ नजर आता है। ठीक उसी आधार पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने इस ट्वीट में कहा है कि तमिलनाडु में जो स्टरलाइट प्लांट, जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, उसको लेकर जिस प्रकार का वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें कल दुर्भाग्यवशत जिस प्रकार फायरिंग हुई और 11 लोगों की मृत्यु हुई, उसको उन्होंने आरएसएस का कारनामा बताया है। राहुल गांधी जी की राजनीतिक दिशाहीनता और अनुभवहीनता कि आखिर किस डायरेक्शन में वे सोचते हैं और क्या उनको देश के फेडरल स्ट्रक्चर के विषय में, देश के जो साधारण प्रचलित विषय हैं, उन पर ज्ञान है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, वो साधारण ज्ञान भी है या नहीं है, इस पर कभी कभी शंका होता है। यह सच है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद विरासत में मिला, और यह भी सच है कि अध्यक्ष पद तो विरासत में मिल सकता है, मगर सूझबूझ और समझ विरासत में नहीं मिलती है। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के सूझबूझ और समझ से उस पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य का पता चलता है कि आखिरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। उनके अध्यक्ष से आप अगर 2 मिनट वार्तालाप कर लेंगे, उनके अध्यक्ष को सुन लेंगे, उसी से मालूम पड़ जाता है। राहुल गांधी जी के वार्तालापों को सुनने के पश्चात कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह हम न केवल समझ सकते हैं अपितु हाल फिलहाल चुनावों में देख भी रहे हैं। बंधुओं, आपको पता है जहां तक तमिलनाडु में थूथुकुडी का विषय है, जिस प्रकार से वहां जनता के ऊपर फायरिंग हुई और जिस प्रकार वहां 11 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और अन्य लोग हताहत हुए, यह शोक का विषय है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इस पर रिपोर्ट मांगा है कि आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट इस पर रिपोर्ट सबमिट करे। अभी न्यूज के माध्यम से हमें यह भी मालूम पड़ा है कि तमिलनाडु के सरकार ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत एक कमीशन स्थापित की है, एक इंक्वायरी कमीशन इस पर पूर्ण संज्ञान लेगी। जब ये सारे विषय चल रहे, राहुल गांधी जी के तत्परता को देखिए कि एक शोक के अवस्था को किस प्रकार से मिल्क करते हुए, निचोड़ते हुए, उससे भी राजनीतिक बेनिफिट कैसे लिया जाए। मिल्किंग अ सिचुएशन व्हिच इज टेंस, milking a situation which is sad, in which 11 people have lost their lives, Mr. Rahul Gandhi is trying to derive some political mileage out of it. He names the RSS as the one which is the perpetrator, which is the cause for the death of 11 people. Mr. Rahul Gandhi, are you aware of the fact that in a federal structure, law and order is a state subject? Rahul ji, aapko pata hai kya ki ek federal structure mein, sanghiya dhacha mein, कानूनी प्रक्रिया, कानून की व्यवस्था, यह राज्य का विषय होता है, केंद्र का विषय नहीं होता है। राहुल जी, मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है, मगर आपने इतनी बार यह गलतियां की है कि आज मुझे कहना पड़ रहा है, यू हैव अर्ड सो मेनी टाइम्स दैट टुडे विथ हेवी हार्ट आई हैव टू से दिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ वंस अपॉन अ टाइम लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री, द कांग्रेस पार्टी। राहुल जी, वी विल गिफ्ट यू 6th क्लास सिविक बुक, आपको हम 6th क्लास की सिविक्स का किताब भेंट करेंगे। आप जरा संघीय ढांचा के विषय, कानून व्यवस्था देश में कैसी चलती है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं,
संविधान क्या होता है, इसके बेसिक्स आप उस सिक्स क्लास के सिविक्स टेक्स्ट बुक से पढ़िए, उसके बाद आप इस प्रकार का अनर्गल वार्तालाप आप हर विषय में संघ को लेकर आते हैं। देश में किसने इमरजेंसी लगाया? आरएसएस ने लगाया। देश में 84 के दंगे किसने किए? आरएसएस ने किए। कॉकरोची को किसने भगाया? आरएसएस ने भगाया। देश में सबसे पहला घोटाला किसने किया? जीप घोटाला, आरएसएस ने किया। नेशनल हेराल्ड का केस किसने किया? आरएसएस ने किया। बोफोर्स का घपला किसने किया? आरएसएस ने किया। कल को तो राहुल गांधी कहेंगे कि उनको अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का किसने बनाया, तो उनके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा आरएसएस ने बनाया। राहुल गांधी जी हर चीज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खींच के लाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप ऐसा कह क्यों रहे। We have seen as to how Mr. Rahul Gandhi is the cause of the loss of the Congress Party. State after state, the Congress Party has been losing election. Right from the day Mr. Rahul Gandhi became the vice president of the Congress Party, leave aside the presidential. The day he became the vice president of the Congress Party, state after state, Mr. Rahul Gandhi has been losing. And this feat of defeat continues even after Mr. Rahul Gandhi's appointment as the president of the Congress Party. Knowing very well that he is not able to give able leadership to the Congress Party in any situation that he feels he can milk politically to suit his political opportunism, he best feels that RSS and BJP should be drawn into the battle arena. In a way, he tries to hide behind the wheel of RSS because he sees that this is the best excuse to hide his own failures. अपने अक्ष कहा गया है, मीडिया के माध्यम से जरूर मीडिया के बंधुओं ने रिसर्च करके ये सब डाला होगा कि चिदंबरम साहब किसी कंपनी में डायरेक्टर भी रहे हुए, पेड डायरेक्टर है, साथ में सुना भी मीडिया। तो राहुल गांधी जी, ये चिदंबरम साहब भी आरएसएस में है क्या? वो आरएसएस के हैं क्या? शायद इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। चिदंबरम साहब को बोलिए कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कंपनी के तरफ से सफाया देंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। यहां अनर्गल वार्तालाप करने से अच्छा होगा खुद चिदंबरम साहब से आप पूछे। अभी थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत जी ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी की जो 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मुझे लगता है उसका जवाब हमें देना चाहिए। उन्होंने बात कर रहे हैं, इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है और हम केवल विश्वासघात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, आप सारे लोग इकट्ठे हो जाइए मगर वोटर इकट्ठा है। एक तरफ आप लोग खड़े और एक तरफ वोटर खड़ा है। वोटर समझता है कि 4 वर्षों में मोदी सरकार ने वोटर तक क्या पहुंचाया है। 4 वर्षों में जिस प्रकार 7 करोड़ शौचालय, 4 वर्षों में किस प्रकार रेल, 19 में जनता करेगी इनको फेल। 19 में जनता इन सबको फेल करेगी। मैं फिर से बोल देता हूं, राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नखेल, केजरी का माफीनामा वाला खेल, यूपी जिस माया को रहा था झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी इन सबको फेल। जनता जनार्दन होती है और जो जनादेश के साथ खिलवाड़ करता है, जश्ने भ्रष्टाचार मनाता है, द सेलिब्रेट द एक्ट ऑफ करप्शन, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर इंटेलिजेंट इनफ
to give them a befitting reply. Thank you so much.